बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास मैथ्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, या ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 होल पावर 1/3। अब यहाँ से 1/3 ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस साइड का भी क्यूब ले ले, ठीक है, और इस साइड का भी क्यूब ले ले, ठीक है। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू 1, या x3 - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ फार्मूला है, a³ - b³, x² + x + 1, a² + b² + प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। सो x - 1 इज इक्वल टू 0, या x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे साथ 1, और यहाँ x² के दो वैल्यू मालूम करने के लिए आप यूज़ कर ले क्वाड्रेटिक फार्मूला -b। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + √b² - 4ac/2a, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। -1 b की वैल्यू 1 है, तो -1 + -b की वैल्यू -1 है, तो 1² - 4ac, a हमारे साथ 1 है और c भी 1 है, डिवाइड बाय 2 इनटू 1। तो x इज इक्वल टू -1 + -1 - 4, तो इससे आता है -3 डिवाइड बाय 2। ये मैं लिख सकता हूँ -1 + -√3, और -√3 ये आयोटा के बराबर है, तो -±i/√3। तो हमारे साथ 3 रूट आ गई, एक क्यूब रूट की 3 आ गई, 1 - 1 + √3 डिवाइड बाई 2, और -1 - √3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ 3 रूट है, एक 1 है, ये -1 + √3 डिवाइड बाई 2, इसको हम कहते हैं ओमेगा, इसका नाम है ओमेगा, और तीसरा है -1 - √3 डिवाइड बाई 2, और इसका नाम है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे साथ ये 3 रूट्स है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0, मगर अगर मतलब अगर इन तीनों को हम ऐड कर लें तो इसका आंसर 0 आता है। अब मैं ट्राई करता हूँ 1 ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू है -1 + √3 डिवाइड बाई 2, और +-1 - √3 डिवाइड बाई 2, इसका एलसीएम ले ले 2, तो 2 × 1 = 2, और -1 + √3, और -1 - √3, तो ये +√3 -√3 कैंसिल हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 2, और -1 - -1 से -2 आता है, डिवाइड बाई 2, विच इज इक्वल टू 0/2, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, अब ये मैं ट्राई करता हूँ तो 1, और ओमेगा की वैल्यू है -1 + √3 √3 / 2, -1 - √3 / 2, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 2 = 4 आता है, और ये फार्मूला है a - b और a + b, तो a हमारे साथ -1 है, तो -1² और -b², तो b हमारे साथ है √3², विच इज इक्वल टू -1² से +1 आता है, और यहाँ पे -iota² √3² से आता है 3 / 4, विच इज इक्वल टू 1 - iota² की वैल्यू है -1 × 3 / 4, विच इज इक्वल टू 1, -- से + आता है, और +4 / 4, विच इज इक्वल टू 1। तो सो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ये हमारे साथ ओमेगा क्यूब के बराबर है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम साबित कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी 2 से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है, या इस तरह भी लिख सकते हैं ω² / ω इज इक्वल टू 1, बोथ साइड डिवाइड बाई ओमेगा, तो इसका मतलब ये है कि ω² इज इक्वल टू 1/ω, या ω² / ω इज इक्वल टू 1, बोथ साइड डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर,
तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे साथ आज का लेक्चर था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैथ्स वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।